हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 10th के लिए एक वीडियो है और इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बताई थी और स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में बताया था मैंने, और आज उनकी एप्लीकेशन को यूज करेंगे, उस टेबल को एज ए एप्लीकेशन यूज करेंगे। और मुझे आशा करता हूं मैं कि आपको उनकी वैल्यूज पता चल गई होगी। फिर भी आप उस टेबल को अपने सामने रखिए और पुट करिए, है ना। ठीक है, तो आज आप पुट करेंगे और धीरे धीरे क्या है, लर्न हो जाएगी आपको। ठीक है, और भी मैं आपको लर्न करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से ये टेबल को लर्न किया जाता है, क्योंकि ये बाय हार्ट होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू देखिए आप टेबल में क्या है। 1/2 है, देख लीजिए। कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है, रखना स्टार्ट करते हैं। कॉस 30 की वैल्यू है देखिए आप √3/2 है, देख लीजिए आप। और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 है। अब आप देखिए 1/2 ये हो गया 1/4 प्लस √3, और √3 हो गया 3 अपॉन नीचे की मल्टीप्लाई हो गया 1/4, ये हो गया 4/4 = 1 इज योर आंसर। तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकल गई। तो आपको वैल्यू केवल पुट अप करनी है। ठीक है, अब स्क्वायर में कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं तो वो देखिए आप बच्चों। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, यहां पर देखिए स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है देखिए। तो अब अपने वैल्यू रखेंगे तो देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसके ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर कर दीजिए। यहां पर 1/√2 होती है वैल्यू, साइन cos 45 की होल स्क्वायर कर दीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये हो गया आपका साइन 1/√2 और होल स्क्वायर, यानी cos 45 और साइन 45 की वैल्यू बराबर होती है। तो बच्चों ये सारी वैल्यू रख दी है मैंने, और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 3/4, √3 फ्री हो गया स्क्वायर से, ये हो गया 4 2 to the 4, ये √3 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, ये 1/4 हो गया, यहाँ भी √3 हो गया, 1/2 हो गया, और इस तरह से आप देखते हैं तो ये हो गया आपका 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 2 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपको वैल्यू रख के करना है आपको, यानी पुट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। एक क्वेश्चन और है बच्चों, किस तरह से इसे प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड को लेके मैं राइट हैंड साइड प्रूव करूंगा। अगर इन केस राइट हैंड साइड भी हमें प्रूव सॉल्व करनी है तो राइट हैंड साइड भी बाद में हम सॉल्व करते हैं और फिर दोनों को मिलाते हैं, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में है 2 tan 30 degree upon 2 1 minus tan square, ये 1 है, 1 minus tan square 30 degree, और वैल्यू रख देते हैं 2 into tan 30 होता है 1/√3, और नीचे देखिए आप 1 minus tan square 30 degree यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये हो गया आपका 2 into 1/√3, और नीचे हो गया आपका 1 minus 1/3, √3 फ्री हो गया है। ठीक है, एलसीएम ले लिया अपन ने, 2/√3 मल्टीप्लाई हो गया ये, और ये देखिए आप ये आ गया आपका 3 minus 1/3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2/√3, और ये 2 हो गया और 3 ऊपर आ गया है और 2 नीचे आ गया, 3 minus 1 is 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, और 3 को मैं लिख देता हूँ √3 into √3/3 को मैंने क्या लिख दिया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपके पास में √3 आ गया। अब आप राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड मेरे पास में है tan 60 डिग्री जो कि होती है √3, इसकी वैल्यू होती है, टेबल में आप देख लीजिए। तो इस तरह से प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है आपका, तो हैंस प्रूव। ये हमेशा आपका इस तरह से सॉल्व आपको करना है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आपको जरा ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके इज इक्वल टू में आपको प्रूव करना है वो चीज, मैं बाद में लिख दूंगा प्रूव करके कि ये चीज आनी है, वही चीज आपको प्रूव करनी है। तो देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, और प्लस ये भी वैल्यू √3/2 होती है। एलसीएम लेंगे हम, इतने का एलसीएम लेंगे तो देखिए 1/1 इट इज
2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 हो गया, इसका एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिया है अपॉन अब डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 प्लस रूट 3 बाय 2, 2 एलसीएम आ गया है और 2 प्लस रूट 3 आ गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास में रह गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब आप क्या करिए, इसे रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइज यानी इसके अपोजिट निशान से रैशनलाइज कर देंगे, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, नीचे हो गया आपका 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो गया और माइनस 2 2 2 रूट 3 अपॉन 1 और आपके पास में आंसर आ गया 7 माइनस 4 रूट 3, यानी आपको ये प्रूव करना था 7 माइनस 4 रूट 3। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरा सॉल्व करके आपको इस तरह से यहां तक पहुंचना है, यानी आपको नाइन्थ में जो रैशनलाइजेशन आप करते थे वो सारा का सारा यहाँ पर आपको शो करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हैं जो आपको करने हैं, तो आप आज सारे जो आरडी शर्मा में क्वेश्चंस दिए हुए हैं या आरएस अग्रवाल में दिए हैं उनको आप करिए, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत कम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जरूर आप आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल को सॉल्व कीजिए, इन केस कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं उसे और सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे जो भी वीडियोस हैं उनको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह मज़ेदार क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।